सब्सक्राइब कीजिए हमारे YouTube चैनल को और साथ ही बेल आइकन दबाइए लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप यूपी टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट UPTET 2022 के लिए अपना ऑनलाइन रिजल्ट किस प्रकार से देख सकते हैं। तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अशोक और आप सभी लोगों का मेरे YouTube चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको UPDLED.gov.in की ये ऑफिशियल साइट खोल लेना है। यहाँ पर दोस्तों, फिर आपको आप देख सकते हैं यहाँ पर आपको यूपी टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट, इस पर आपको क्लिक कर देना है। फिर यहाँ पर UPTET पर क्लिक करेंगे दोबारा से। फिर से आपको यहाँ पर UPTET कैंडिडेट सर्विस इस वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको डाउनलोड UPTET रिजल्ट का ऑप्शन दिख जाएगा, इस पर आपको क्लिक कर देना है। जैसे आप इस पर क्लिक करते हैं, फिर आपके सामने यहाँ पर इस तरीके से पेज ओपन हो जाएगा साइन इन का, UPTET 2021 साइन इन। तो यहाँ पर दोस्तों, जो एग्ज़ाम हुआ था वो 2021 में, जिसका कि रिज़ल्ट 2022 में आ चुका है। तो यहाँ पर आपको रजिस्ट्रेशन नंबर डालना है इस बॉक्स में अपना, और यहाँ पर आपको अपना एंटर वन टाइम पासवर्ड, तो यहाँ पर आपको अपना वन टाइम पासवर्ड डाल देना है और ये कैप्चा कोड को इस बॉक्स में फिल करना है। अगर आप अपना वन टाइम पासवर्ड भूल गए हैं तो यहाँ पर आपको रिसेंट और फॉरगेट वन टाइम पासवर्ड रजिस्ट्रेशन नंबर इस वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। फिर यहाँ पर आपको कुछ डिटेल देना पड़ेगा, नेम ऑफ कैंडिडेट इस बॉक्स में, यहाँ पर मदर्स नेम आ जाएगा, इस वाले ऑप्शन में अपनी डेट ऑफ बर्थ डालना है। उसके बाद में यहाँ पर अपना मोबाइल नंबर डालेंगे, यहाँ पर ईमेल आईडी और ये कैप्चा कोड को इस बॉक्स में फिल करेंगे और रिसेंट रजिस्ट्रेशन नंबर इस वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो यहां से आपका वन टाइम पासवर्ड और अपना रजिस्ट्रेशन नंबर रीसेट हो जाएगा। ये डिटेल डाल के लॉगिन कर लेना है। दोस्तों, आपको रिजल्ट डाउनलोड करने की लिंक वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, वहां से भी आप अपना रिजल्ट डाउनलोड कर सकते हैं। तो दोस्तों, वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा, और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आने वाली सभी लेटेस्ट नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच सके। थैंक यू दोस्तों, धन्यवाद।